नमस्कार दोस्तों, विद्याशाला के नए बिन्दुओं को स्वागत है। दोस्तों आज आपके साथ हम बात करने वाले हैं इग्नू के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इग्नू ने एक फॉर्म जो है रिलीज़ किया है, जिसमें इग्नू ने बताया कि जो भी बंदे ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना चाहते हैं वो इस फॉर्म को श्योर भरे, अदरवाइज वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे इत्यादि जो है उनकी सारी डिटेल्स। जो जानते हैं आपको कि इग्नू हमेशा एक फॉर्म रिलीज़ करता है, अचानक से बोलता है कि आपको भरना ही पड़ेगा, तो इसके बारे में बहुत सारे बच्चों को जानकारी पता नहीं। इसके बारे में सारी जानकारी अच्छे तरीके से आपसे बात करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आप जिसे देख सकते हैं कि आप चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या पेन एंड पेपर मोड में आप देना चाहते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन जो है आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, जिसके बारे में सारी की सारी जानकारी आपसे बात करेंगे कि कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं और किन्हें ये फॉर्म भरना ही पड़ेगा, अदरवाइज एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपसे हम इस वीडियो में आगे बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए इग्नू से रिलेटेड वीडियो ऐसे ही आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं और आते रहेंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर ले आपसे तो ऑप्शन फॉर्म फॉर टीई दिसंबर 2021, यानी दिसंबर 2021 में जो भी बच्चे एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनको यह फॉर्म भरना होगा। लेकिन इसमें भी कुछ एक टर्म्स है कि उसमें भी किनको भरना होगा और किनको नहीं भरना होगा, और जिनको भरना होगा उनको मैंडेटरी है कि भरना होगा। आप ऊपर देख सकते हैं, फोर स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन ऑनलाइन प्रोग्राम्स, यानी जिन बच्चों ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए अपना जो इनरोल किया था, यानी ऑनलाइन प्रोग्राम्स में अपना जो एडमिशन करवाया था, वे बच्चे जो है इसमें आपको उनको गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा, अदरवाइज जो बच्चे एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। और इनका जो लास्ट डेट है वह है 15 जुलाई। जी हाँ दोस्तों, 15 जुलाई के पहले आपको इस फॉर्म को भरकर कंप्लीट करना होगा, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। अब आपसे हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बच्चे जो ऑनलाइन प्रोग्राम होते हैं और कौन से प्रोग्राम ऑनलाइन होते हैं और किनको यह भरना पड़ेगा, तो चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंसेस, BLIS SOL BCOM। आप देखो, आप प्रोग्राम कोड को दोस्तों आप ध्यान से देख लेना कि प्रोग्राम कोड जो है ना नीचे दिया हुआ है आपका BSWOL, तो वो सब प्रोग्राम कोड को आप ध्यान से देख लो। फिर बैचलर ऑफ टूरिज्म BTSOL। उसके बाद अगर आपसे हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे मास्टर्स के भी कुछ कोर्सेज दिए हुए हैं। मास्टर्स के जो कोर्स है MADEOL, यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन डिस्टेंस एजुकेशन, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन रूरल डेवलपमेंट, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश, उसके बाद मास्टर ऑफ जर्नलिज्म, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास इन कम्युनिकेशन। यहाँ पे आप कोड भी नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि MBAOL। उसके बाद देखो, आप OL जो है ज़्यादातर जो लगाया हुआ, क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम इसलिए उन्होंने सब्जेक्ट जो प्रोग्राम कोड है इसमें OL उन्होंने ऑब्वियसली इनसे इंक्लूड कर दिया है, जिससे आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। उसके बाद मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, MA इन ट्रांसलेशन स्टडीज, मास्टर ऑफ आर्ट्स, ये सब आप देख सकते हैं कि यहाँ मास्टर ऑफ आर्ट्स इन गांधी एंड पीस स्टडीज यहाँ। उसके बाद आप आगे जाके देख सकते हैं तो बैचलर के प्रोग्राम में आप देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने दिखाया, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस, उसके बाद आपका बैचलर ऑफ टूरिज्म। फिर डिप्लोमा की बात करें तो देख ले सकते हैं, डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजिटल मीडिया एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डिस्टेंस एजुकेशन। ओके, और सर्टिफिकेट कोर्स की बात साथ में मैं कर लेता हूँ, तो एक मिनट, तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम वगैरह जो है उसमें भी आपका जो है टोटल आपको देना पड़ेगा। तो इन जो ये जो कोर्सेज है, इस कोर्सेज में जितने भी बच्चे आ रहे हैं, इन जो कोर्सेज में जिन्होंने भी एडमिशन करवाया था, उन सारे ही बच्चों को मैं बता दूं दोस्तों, इन सारे ही जो बच्चे हैं उनको यह जो फॉर्म है, यानी इसको फॉर्म को मैंडेटरी आपको भरना पड़ेगा। मैं इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, यानी कि जो बच्चे दिसंबर 2021 में एग्जाम देंगे तो वे इस फॉर्म को भरेंगे। और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या डिजिनेटेड टेस्ट सेंटर, ये दूसरे में बता दूँ कि ये जो आपका टेस्ट होगा ये आपके घर से नहीं होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर से होगा, आपको किसी एक सेंटर पर आपका ये किया जाएगा, असाइन किया जाएगा, उस सेंटर पर जाकर आपको एग्जाम देना होगा। और पेन एंड पेपर मोड भी जो है वो आपको किसी इग्नू के एग्जामिनेशन सेंटर पर ही लिया जाएगा। लेकिन इग्नू ने यहाँ पर क्या किया कि जो बच्चे ऑनलाइन देना चाहते हैं या कौन बच्चे पेन या पेपर मोड में देना चाहते हैं, यह दोनों ही ऑप्शन जो आपके लिए डाल दिया गया है। यहाँ पर आपको नेम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है,
सेगमेंट नंबर डाल रहे हैं, प्रोग्राम को डालना और ईमेल आईडी आपको डालना होगा। इन सारे फॉर्म को भरने के बाद आपको इसको सबमिट कर देना हो दोस्तों। और भी कोई अगर परेशानी या कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड तो आप हमें कॉल मी के नंबर पर कॉल कर सकते हैं या आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे।